ऑफ पॉइंट इफेक्ट हेडिंग था, उसमें कंटिन्यू करके आगे लिखना नीचे, पॉइंट इफेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, पॉइंट इफेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, पॉइंट इफेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। नाम हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ठीक है, आज उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। पहला लिखना स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक, STOICHIO, स्टोइकियो, STOICHIO, स्टोइकियोमेट्रिक, METRIC, मेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, हाइफन डाल के लिखना इसके बारे में कुछ लाइंस, हाइफन लिखो। These are the defects which do not disturb the, these are the defects which do not disturb the, which do not disturb the stoichiometry of the solid, which do not disturb the stoichiometry of the solid. Stop. They are also known as intrinsic, I-N-T-R-I-N-S-I-C, intrinsic or thermodynamic defect. थर्मोडायनेमिक मतलब अपन यहाँ पे हीट हीट की बात करने वाले हैं, राइट। तो एक सब्सटेंस अगर हीट करते हैं और उसमें इस टाइप की कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो उसे अपन थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहेंगे, बिकॉज दिस इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ हीट, ठीक है। तो एक नाम है इंट्रिंसिक इफेक्ट या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, ठीक है। नीचे हम देखता, दीज आर अगेन डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स These are again divided into two types. Pehla, vacancy defect. जो आप लोग सामने देख पा रहे हो ना, यहाँ क्या है, ये पूरे क्रिस्टल लैटिस, मान लो इतना पास क्रिस्टल लैटिस है, उसमें ये दो लैटिस पॉइंट्स में वेकेंसी क्रिएट हो गई, गैप क्रिएट हो गया, यहाँ का एटम बिकॉज ऑफ हीट निकल के बाहर हो गया है, यहाँ ये बाहर हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप को अपन डिफेक्ट को क्या बोल रहे हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। इसमें हाइफन डाल के लिखना वैकेंसी डिफेक्ट, फर्स्ट वैकेंसी डिफेक्ट हाइफन डाल के लिखो इसमें। व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स, या लैटिस पॉइंट बोल सकते हैं, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वेकेंट The defect is said to be vacancy defect. अच्छा, इस defect के कारण क्या होगा? Solid की density कम हो रही है कि बढ़ेगी? कम होगी, क्योंकि इसका mass कम हो जाएगा, right? अगर मैंने दो lattice के points यहाँ से हटा दिए, इसमें कोई particle नहीं है, कोई atom नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस पूरे atom का, इस पूरे crystal का mass कम हो जाएगा। और अगर मास कम होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम का भी उतना ही है। ऐसा तो नहीं कि ये एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया तो ये सिकुड़ गए हैं, ऐसा तो नहीं हुआ, वॉल्यूम तो उतना ही है अभी भी, बट मास कम हो गया, इससे आपका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस डिफेक्ट से आपकी सॉलिड की डेंसिटी कम हो जाती है। एक बार और लिखना इस बारे में, This defect results in decrease in the density. ठीक है, एक लाइन और लिखना हीट के बारे में। This defect develops
when a substance is heated. ठीक है, अभी थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोल रहा था. सेकेंड लिखना, सेकेंड टाइप का डिफेक्ट. हमने स्टोइकोमेट्रिक में ही दो और टाइप के डिफेक्ट बोले ना, पहला हो गया वेकेंसी, सेकेंड लिखना इंटरस्टीशियल. इसको बना लेना फिर, इसके बाद दोनों को एक साथ बना लेना. पहले अपन दोनों को लिख लेते हैं, फिर नीचे दोनों को डायग्राम अथवा बना दो. सेकेंड लिख लो इंटरस्टीशियल डिफेक्ट. इंटरस्टीशियल डिफेक्ट हाइफन डाल के लिखो. व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, when some constituent particles occupy an interstitial site, occupy an interstitial site. Interstitial sites मतलब अगर कोई पहले से अरेंजमेंट है, मान लीजिए ये एक रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, इस रो और इस रो के बीच में थोड़ा सा गैप है तो उसको अपन इंटरस्टीशियल साइट बोल रहे हैं या इंटरस्टीशियल गैप बोल रहे हैं. ठीक है, उसके बीच में अगर कोई पार्टिकल या कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल आके ऑक्यूपाई कर ले उस स्पेस को, तो उसको अपन इंटरस्टीशियल डिफेक्ट कहते हैं. ठीक है, दिख भी रहा है ना, ऐसे रेगुलर पैटर्न क्या है, ऐसे रो में चार चार पार्टिकल अरेंज है, ये थोड़ा इरेगुलरिटी है ना, इसी को हम इंटरस्टीशियल डिफेक्ट बोलते हैं. समझ रहे हैं? ओके. अच्छा, इससे डेंसिटी में क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, वॉल्यूम उतना ही अभी भी. देखिए, ऐसा नहीं हुआ ना कि इनके बीच में आने से वॉल्यूम बढ़ गया, ऐसा नहीं हुआ. जो गैप था उसके हिसाब से एटम का साइज, जो भी एटम का छोटा सा एटम होगा, मान लीजिए गैप छोटा है तो कोई छोटा सा एटम आपके ऑक्यूपाई कर लेगा जगह को, गैप बड़ा होगा तो कोई बड़ा सा एटम आपके ऑक्यूपाई करेगा जगह को. अल्टीमेटली वॉल्यूम उतना ही है बट मास बढ़ गया है. जैसे पिछले में वॉल्यूम उतना ही था, मास कम हो रहा था बिकॉज वैकेंसी क्रिएट हुई थी. यहाँ पे वॉल्यूम उतना ही है बट मास बढ़ेगा क्योंकि इंटरस्टीशियल साइट में कुछ एडिशनल एटम या मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई किए हैं जगह को. ठीक है, ये डिफेक्ट से डेंसिटी बढ़ जाएगी. क्लियर है? ओके, तो क्या लिखे हैं, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टीशियल साइट द क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टीशियल डिफेक्ट. द क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टीशियल डिफेक्ट. ठीक है, इस एक लाइन को डेंसिटी के बारे में लिख लो. It results in increase in the density. ठीक है, चलिए नोट करके एक पॉइंट और लिखना है इसके बारे में, दोनों डिफेक्ट के बारे में. इनफैक्ट साइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में तो एक लाइन और लिखना, नोट करके लिखना. The above two defects. वंशिका, संजय एंड सानिया, समझ में आ रहा है दोनों डिफेक्ट? यस सर. द अबव टू डिफेक्ट्स आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आयनिक सॉलिड में इस टाइप का डिफेक्ट हुआ, मान लीजिए वैकेंसी डिफेक्ट, तो उसका न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रह पाएगा. मान लीजिए Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव दो लॉस हो गए, वैकेंसी क्रिएट हो गई, मतलब अब उसमें Na पॉजिटिव कम हो गया है, Cl नेगेटिव तो उतना ही है जितना पहले था. मतलब मान लीजिए पहले 50 Na पॉजिटिव 50 Cl नेगेटिव था, अब उसमें से दो कम हो गए, तो अब आपका जो पूरा मॉलिक्यूल उसका न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रह पाएगा. जब मैं आयनिक सॉलिड की बात करता हूँ तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए. न्यूट्रलिटी मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, तो आप बोलेंगे कि न्यूट्रलिटी मेंटेन है. समझ रहे, जितना पॉजिटिव आयन है उतना ही नेगेटिव आयन है, तब आप बोलेंगे कि न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, पॉजिटिव चार्जेस जितने हैं उतना नेगेटिव चार्जेस है. पर अगर वैकेंसी ऐसी टाइप की क्रिएट हुई तो आपका न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रह पाएगा. ठीक है, तो इसलिए हो सकता है वैसा भी होगा तो भी फिर न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी. वो जो बोल रहे हैं ना, वो अपन आयनिक इफेक्ट में वही होता है जो अपन अगला पढ़ने वाले हैं, दो आर आयनिक इफेक्ट्स. ठीक है, इसमें लिखना नीचे आयनिक सॉलिड्स
मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, अब वो आयनिक के दो पढ़ने से पहले ना पहले आप लोग ये दोनों डायग्राम बना लो, एक विटेंसी डिफेक्ट का डायग्राम बना लो, ये वाला, ये हो जाएगा तो नहीं खुला मैं क्या होता है, आयनिक सॉलिड मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता था। ठीक है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा मतलब। ठीक है, डायग्राम बनाना, नीचे लिखते हैं वैलेंसी डिफेक्ट, लगे तो इन बॉक्सेस में ऐसा एरो बना के दिखा देना कि वैलेंसी है, यहाँ पे पता लगेगा कि ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, हालांकि एटम स्क्वायर शेप का नहीं होगा, है ना, स्फेरिकल शेप के होंगे, तो सारे स्फेरिकल वाले जो आपको दिख रहे हैं वो आपके एटम हो जाएंगे और जो स्क्वायर दिख रहा है वो आपका वैलेंसी है। ठीक है, ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बना लो, आप तीनों ने बना लिया डायग्राम? यस सर। ओके चलो, तो नेक्स्ट थिंग डालना, इफेक्ट्स शोन बाय आयनिक सॉलिड्स, इफेक्ट्स शोन बाय आयनिक सॉलिड्स, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर ही लिख रहे हैं अपन, है ना, क्योंकि इनका भी स्टोइकोमेट्रिक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आयनिक सॉलिड्स का भी। ठीक है, बट वो ये इंटरस्टीशियल और वैकेंसी डिफेक्ट के बजाय दो अलग टाइप के डिफेक्ट होते हैं, वो शो करते हैं आयनिक सॉलिड्स। तो पहला लिखना फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल, एफ आर ई एन के ई एल, एफ आर ई एन के ई एल, फ्रेंकल डिफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंकल एंड शॉटकी, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका डिफरेंस आ सकता है या सिंपली कोई एक डिफेक्ट एक्सप्लेन करने भी आया है कई बार। ठीक है, फ्रेंकल एंड शॉटकी, ठीक है, ये आयनिक सॉलिड्स की शो करे हुए, लिखो, इन दिस द स्मॉलर आयन, इन दिस द स्मॉलर आयन, उस दिन हमें बात की थी ना कि जनरली स्मॉलर आयन कौन सा होता है, कैट आयन, मैंने कहा एग्जाम्पल बताया था, जैसे NaCl का एग्जाम्पल दिया था मैंने, MgCl2 का एग्जाम्पल दिया था, जनरली आयनिक सॉलिड्स में कैट आयन, जनरली हमेशा नहीं बोल रहा हूं मैं, जनरली आयनिक सॉलिड्स में कैट आयन छोटे होते हैं। ठीक है, तो इन दिस द स्मॉलर आयन, ब्रैकेट में यूजुअली कैट आयन लिख लेना, यूजुअली या जनरली कैट आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट, इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू एन इंटरस्टीशियल साइट, डिसलोकेटेड from its normal site to an interstitial site. So क्या मतलब फॉर्मूला है, मतलब कैट आयन को यहां रहना चाहिए था, बट वो वहां से निकल के कहीं इंटरस्टीशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया। देख रहे हैं इंटरस्टीशियल साइट का मतलब तो यही है ना, जो दो लाइन के बीच में हमको गैप दिख रहे हैं, दो एटम्स के बीच में जो गैप दिख रहे हैं, अपन उनको इंटरस्टीशियल साइट्स बोल रहे हैं। तो यहां का कैट आयन देख रहे हैं, यहां पे कुछ नहीं है ना, वैकेंसी भी क्रिएट हो गई है और इंटरस्टीशियल साइट में भी चला गया, समझ रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब वैकेंसी भी दिख रही है हमें जैसे अपन को फर्स्ट डिफेक्ट में दिख रही थी वैकेंसी, और इंटरस्टीशियल साइट से भी एटम दिख रहा है जैसा हमको सेकंड डिफेक्ट में दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अब बोल सकते हैं कि फ्रेंकल डिफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, आया ना, बोल सकते हैं यहां एक वैकेंसी भी क्रिएट हो गई और यहां पे वो इंटरस्टीशियल साइट में भी आ गया, एक ही जगह दिख रहा ना ऐसा एटम, यही बस मिसिंग है, बाकी जगह तो सब नॉर्मल है ना, रेगुलर, हर पॉजिटिव का एक नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, यहीं पे एक नेगेटिव के बाद पॉजिटिव गायब है, समझ रहे हैं,
तो इन दिस द कैट आयन यूजुअली जो स्मॉलर आयन है वो अपना ओरिजिनल लोकेशन छोड़ के इंटरस्टीशियल साइट को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, ये लिखिए फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू एन इंटरस्टीशियल साइट, स्टॉप, इट क्रिएट्स वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट, एंड इंटरस्टीशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू साइट। तो लिख रहे हैं, समझ लो उसको क्या लिख रहे हैं ना, अपने पुराने लोकेशन में उसने वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट किया और नए लोकेशन में वो इंटरस्टीशियल डिफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट एंड इंटरस्टीशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू साइट, ठीक है। एक और इसके बारे में लाइन लिखना, इट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट। This location defect. What about density? Same. No change in density. क्यों? Volume same है और mass भी same है। ये बाहर नहीं आया ना, loss नहीं हुआ है, मतलब mass का कोई कमी नहीं हुआ है, पहले भी उतना ही mass था, अभी भी mass उतना ही है, बस वो चीज एक जगह से हट के दूसरे जगह पे आ गई है, but it is still in the crystal lattice only. अभी भी वो atom या वो ion आपके क्रिस्टल लैटिस में ही कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, तो मास में कोई अंतर नहीं आएगा, वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आएगा, तो देयर विल बी नो चेंज इन द डेंसिटी, समझ में आया, देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी, क्लियर है ना। सिमेट्री चेंज सिमेट्री चेंज होगा, इररेगुलर हो गया ना, तभी तो हम बोलते हैं कि एनिसोट्रॉपिक भी बोलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अगर ऐसा टाइप का होगा तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलो एक पॉइंट लिखना, इसमें डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, हमने लिखा था एनिसोट्रॉपिक क्यों बोलते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं ना, कि जो आपके लाइट के बेंडिंग को डिसाइड करता है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आपका लाइट उतना ज्यादा बेंड होगा उस मीडियम से पास होने के बाद, तो अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, मान लो इस तरफ डेंसिटी ज्यादा बढ़ गई तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पर डेंसिटी कम हो जाएगी तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, समझ रहे, ठीक। तो लिखना इसमें एक लाइन डेंसिटी के बारे में, इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लिखो ऐसे आयनिक सॉलिड्स जो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं ना, कुछ एग्जांपल्स लिखना, एग्जांपल्स आर जिंक सल्फाइड ZnS, अब देखो यहाँ पे जिंक बड़ा है, सल्फाइड छोटा है, जिंक आपका फोर्थ पीरियड में आता है, राइट, जिंक आपका फोर्थ पीरियड में आता है और सल्फाइड कम्स इन थर्ड पीरियड, सेकेंड नहीं थर्ड, 2.8.6 बोलते ना सल्फाइड का, तो नया कॉन्फिगरेशन भी सीख रहे हो आप लोग, तो सल्फाइड आपका या सल्फर आपका थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, वेयर एज जिंक बिलोंग टू फोर्थ पीरियड, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, अब 21 से 30 भी याद कर लो, ठीक है, अभी तक 20 याद थे, नहीं याद है तो उतने भी मैं पहले भी शायद बोला हूं, 21 टू 30 भी याद करना है इसका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ठीक है, तो जिंक इज नंबर 30, दिस जिंक सल्फाइड ZnS AgCl, अगेन देखो Ag बड़ा है, being a cation, इसलिए अपन यूजुअली लिखे कि हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, एक और इसमें एग्जांपल, सिल्वर क्लोराइड है तो सिल्वर ब्रोमाइड भी हो सकता है, सिल्वर आयोडाइड भी हो सकता है, क्योंकि सब एक जैसे ही है, सारे हैलोजन है, AgCl, AgBr, AgI, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकेंड टाइप का डिफेक्ट लिख लो, डायग्राम इसके बाद दोनों एक साथ बना लेना, जैसा अभी बनाया था ना वैकेंसी और इंटरस्टीशियल का, वैसे बाद में डायग्राम दोनों का एक साथ बना लेना। सेकेंड लिख लो शॉटकी डिफेक्ट, ये भी आयनिक सॉलिड्स ही शो करेंगे ना, शॉटकी एंड फ्रेंकल आर शोन बाय आयनिक सॉलिड्स, वैकेंसी एंड इंटरस्टीशियल साइट्स वाला डिफेक्ट जो है वो नॉन आयनिक सॉलिड
शो करेंगे. नॉन आयनिक में हो सकता है कोवेलेंट सॉलिड्स हो. आयनिक का मतलब चार टाइप के सॉलिड्स पड़े ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स चार टाइप के पड़े हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट या नेटवर्क और मेटालिक. चार पड़े ना. तो पहला वाला ये आयनिक है, बाकी तीनों आपके वैकेंसी या इंटरस्टीशियल डिफेक्ट शो कर सकते हैं. क्या लिखे, शॉर्ट की डिफेक्ट, इसमें लिख लो हाइफन डाल के. इट इज बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स. इट इज बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स. इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स. अब वैकेंसी मतलब अभी से अपन यहां क्या कर रहे थे कि वैकेंसी इंटरस्टीशियल साइड एक ही जगह पे है ना, बट अब वैकेंसी डिफेक्ट बोल रहे मतलब एक गायब ही है, बाहर है मतलब. तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जैसे आपने बोला एक ऑपोजिटली चार्ज आयन भी गायब होना चाहिए, तभी न्यूट्रलिटी मेंटेन हो पाएगी आयनिक सॉलिड्स की, है ना. तो वही लिख रहे हैं कि इट इज बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट, राइट, फुल स्टॉप. इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी The number of missing cation or anion. क्या लिखेंगे आगे? आर इक्वल. जितने कैटायन मिसिंग है उतने ही एनायन मिसिंग होने चाहिए. पर देखो ये चीज हर बार ट्रू नहीं होगी ना. अगर दोनों का चार्ज बराबर है, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दोनों का चार्ज बराबर है, 1-1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो दोनों एक एक गायब होंगे तो चल जाएगा, दोनों चार चार गायब होंगे तो चल जाएगा. बट मान लीजिए आयनिक सॉलिड है, फॉर एग्जाम्पल Mg2 पॉजिटिव है, अभी नहीं है, Mg2 पॉजिटिव है और Cl1 नेगेटिव है. तो अब आप यहाँ सोचो कि एक Mg2 पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव गायब होगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी, तो आप क्या सोच रहे हैं, Mg2 पॉजिटिव दो पॉजिटिव बाहर हुआ है और Cl नेगेटिव 1 नेगेटिव बाहर हुआ, तो क्या यहाँ न्यूट्रलिटी मेंटेन है, समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ आयंस बाहर करेंगे ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे. ठीक है, लिखना है इसमें आर इक्वल करके लिख लिए, द नंबर ऑफ मिसिंग कैट आयंस एंड एनायंस आर इक्वल. ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे डायग्राम में क्या हो रहा है. देखो यहाँ पे क्या क्या गायब है, पहले रो में आपको एक पॉजिटिव गायब दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, सेकेंड रो में तो सब ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक नेगेटिव गायब दिख रहा है, राइट. हाँ, तो इन दोनों का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया बाहर हुए तो. उसके बाद यहाँ पे एक नेगेटिव गायब है और यहाँ पे एक पॉजिटिव गायब है. ठीक है, तो पीछे लिखो. अच्छा, डिग्रीज होगी ना, मास तो कम हुआ है ना. अगर वैकेंसी क्रिएट हुई है मतलब मास तो कम हुआ ही है, वो तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि वैकेंसी के साथ साथ वहीं पे ही वो अटैच हो गए थे, तो इससे डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं था, बट यहाँ तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली मास कम हो रहा है. जैसे फर्स्ट वैकेंसी डिफेक्ट था वैसे तो ये भी है, ये भी एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, समझ रहे हैं क्या. हाँ, तो लिख लो नीचे, Schottky defect also decreases the density of substance. Schottky defect also decreases the density of the substance. This defect is shown by ionic substances in which cation and anion are
ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज. उसमें क्या है ना, एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए. जो अपन पीछे लिखे ना फ्रेंकल वाला, क्योंकि हमको पता है कि उसको इंटरस्टीशियल साइड पे घुसना भी है, तो अगर बराबर साइज के होंगे तो नहीं घुस पाएगा वो इंटरस्टीशियल साइड में, क्योंकि इंटरस्टीशियल साइड छोटी होती है ना. अगर आप चार क्यूब को रख दिए तो बीच में जो जगह है ना, चार स्पीयर्स को रख दिए तो जो बीच में जगह दिख रही है ना वही इंटरस्टीशियल साइड से, तो उसमें वही एटम घुस पाएगा जो उनसे छोटा होगा. समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो अगर वहां पे सिमिलर साइज का कैट आयन और एन आयन है, तो वो कैट आयन जो अपना वैकेंसी क्रिएट करके निकला है वो इंटरस्टीशियल साइड में घुस नहीं पाएगा. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए इसके लिए कंडीशन क्या है कि कैट आयन और एन आयन में साइज का डिफरेंस होना चाहिए. यहाँ पे सिमिलर साइज के चल रहे थे, क्योंकि उसको तो वैसे ही बाहर ही निकलना है, उसको थोड़ा कहीं बीच में जाके घुसना है, राइट? तो वही अपन लिखे हैं कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस हुज कैट आयन एंड एन आयन आर ऑफ सिमिलर साइज. एग्जांपल लिखो इसके भी. NaCl, 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 तो हम KCl, KCl, CSCl, CSCl मतलब है आपका सीशियम क्लोराइड है. CS stands for सीशियम. सब आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है ना, Na, K, CS, और ये सब आपके क्लोराइड बना रहे हैं. वैसे भी हमको पता है आयनिक सॉलिड्स को आपके मेटल और नॉन मेटल मिलकर ही बनाते हैं. सीशियम सीशियम के नीचे फ्रेंड था आपका, वो ये अपन बोलते हैं ना हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद. हीलियम सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ना, है ना, फिर आपका की सॉरी हेलिना की के, हाँ के, पोटेशियम, फिर रब मतलब रुबिडियम, से मतलब सीशियम एंड फरियाद मतलब मैग्नीशियम. ये फर्स्ट ग्रुप ऐसे आप रख सकते हैं. हाँ, ऐसा बहुत सारे ट्रिक बनाए जा सकते हैं याद रखने के लिए. ठीक है, ओके, चलो एग्जांपल लिखें. NaCl, KCl, CSCl एंड AgBr. इस पे एक क्वेश्चन आता है कई बार, क्योंकि AgBr दोनों टाइप के डिफेक्ट शो कर रहा है. देख रहे हो ऊपर भी अपन ने AgBr लिखा है ना, और यहाँ भी अपन AgBr लिखा है. तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि नेम अ कंपाउंड विच शोज बोथ फ्रेंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट. ठीक है, उसका आंसर AgBr होगा. याद रखना ये भी क्वेश्चन आया है. ठीक है, AgBr. ठीक, चलो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप का डिफेक्ट, दैट इज स्टोइकोमेट्रिक. स्टोइकोमेट्रिक में चार देखे, वैकेंसी, इंटरस्टीशियल साइड्स विच आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स, एंड फ्रेंकल एंड शॉर्टकी शोन बाय आयनिक सॉलिड्स. क्लियर है? अब सेकेंड डाल दो हेडिंग, इंप्यूरिटी डिफेक्ट. देख रहा वहां पे क्या नंबर डाले हो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में, किस टाइप का नंबरिंग यूज किए, रोमन लेटर यूज किए थे, यहाँ भी रोमन लेटर करो, वहां वन लिखे थे यहाँ टू करना, वहां ए लिखे थे यहाँ बी करना, क्योंकि उसका है ये नंबरिंग ना. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? वरना आप लोगों को लगेगा कि ये इंप्यूरिटी डिफेक्ट भी आपका स्टोइकोमेट्रिक के अंदर आ रहा है. स्टोइकोमेट्रिक खत्म हो गया. ठीक है, सेकेंड टाइप का डिफेक्ट है इंप्यूरिटी. नाम समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ इंप्यूरिटी जनरेट होगी. मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दिया था कि NaCl के क्रिस्टल में स्ट्रॉन्शियम आ गया है. NaCl के क्रिस्टल में स्ट्रॉन्शियम की क्या जगह है, तो वो एक तरह का इंप्यूरिटी कहलाएगा. ठीक है, देखो इसमें, इफ मोल्टन NaCl कंटेनिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ, इफ मोल्टन NaCl containing a little amount of SrCl2, strontium chloride. अरे इसका डायग्राम नहीं बनाया है, जगह पे नहीं, भूल जाऊंगी. कॉपी खोल के बैठोगे पढ़ने के लिए, तो फिर कॉपी पढ़ोगे, बुक नहीं लिखोगे. कहीं जगह है ऊपर नीचे, तो इसको बना रहा हूं फ्रेंकल और शॉर्टकी को.
दो तीन लाइन ही बना लो, पूरा जरूरी है पूरा बड़ा बनाना। बस हमको ये समझाना है कि यहाँ से कैटायन निकल के इंटरस्टीशियल साइट में जगह बनाना, तो इतना भी बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी इतना बना लेंगे तो चलेगा। एक पॉजिटिव ग्राफ करा देना, एक नेगेटिव ग्राफ करा देना। क्या लिख रहे थे? If molten NaCl containing a little amount of strontium chloride SrCl2, ठीक है, is crystallized, अगर दोनों का molten form है, आप उसको ठंडा होने दिए, you allow it to cool, तो cool होने के बाद वो crystal बन जाएगा, जैसे normal crystallization process होता है, आप पहले देर तक heat करते हो, and then you allow it to cool. कूल होने के बाद वो क्रिस्टल बना लेता है। तो अब क्रिस्टल साइट्स में कुछ जगह पे आपको स्पॉन्शन दिखेगा NaCl के साथ, Na के साथ, ठीक है? तो इस क्रिस्टलाइज्ड कॉमा सम ऑफ द साइट्स ऑफ Na पॉजिटिव आर ऑक्यूपाइड बाय SR2 पॉजिटिव। अब ये Na पॉजिटिव 1 पॉजिटिव है और SR आपका 2 पॉजिटिव है, तो जब ये क्रिस्टल बनेगा प्रॉपर, तो एक SR2 पॉजिटिव अगर है तो दो Na पॉजिटिव गायब हो गया अपने साइड से, अभी तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी ना, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। अगर आपका एक SR2 पॉजिटिव एक्स्ट्रा आया है तो दो Na पॉजिटिव बाहर हो गए, समझ रहे? तो क्या लिखिए, are occupied by SR2 positive, full stop. Each SR2 positive replaces 2 Na positive. Full stop. It occupies the site of one ion. क्योंकि दो Na positive गायब है ना, तो SR ने एक की जगह तो ले ली। Occupies the site of one ion and the other site remains vacant. ठीक है, एक example और लिखना, ये तो Na positive और SrCl2 का हो गया, एक example बस नाम लिख लो। Another example is CdCl2. Cd stands for cadmium. CdCl2, cadmium chloride and AgCl. ठीक है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। चलो, ये आपका Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यहाँ पर स्पॉन्सर बना है, SR2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl
ये दो एरे पॉजिटिव गायब हैं तो एक की जगह आपके एसआर टू पॉजिटिव में लेंगे। सेम चीज CDCl2 यानी कि कैडमियम क्लोराइड और HCl के साथ भी हो। वंशिका, सानिया, संजय समझ में आ रहा है? यस सर। ये हुआ सेकेंड टाइप का डिफेक्ट, दैट इज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। थर्ड लिख लो, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अभी तक जितने भी अपन डिफरेंस देखे ना, इसमें आपके सॉलिड की स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हो रही थी, पर अब आपका स्टोइकियोमेट्री जो है वो डिस्टर्ब होने वाला है। ठीक है, इसमें लिखना नीचे, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड गेट्स डिस्टर्ब। द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड्स गेट्स disturb. Stop. These are of two types. These are of two types. These are of two types. First, likhna metal excess defect. Metal excess. Excess matlab zyada wala. EXCESS. मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। हाइफन डाल के लिखो इसमें। मेटल इन, सॉरी, इन अ सॉलिड, इन अ सॉलिड, इन अ सॉलिड मेटल कैन बी प्रेजेंट इन एक्सेस। Metal can be present in excess in two ways. ऐसे समझना इसको। मान लीजिए एक आपका सॉलिड है जिसमें ना 10 मेटल आयन है, मेटल, और आपके 10 एन आयन है, मतलब कैट आयन्स एन आयन्स। मेटल भी कैट आयन बनाएंगे और नॉन मेटल एन आयन बनाएंगे। अभी दोनों 10-10 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मेटल एक्सेस दो तरीके से हो सकता है, या तो एक एनआयन कम हो जाए तो अपने आप आपको मेटल एक्सेस में दिखेगा, मेटल नहीं बढ़ा है क्योंकि एनआयन कम हो गया तो मेटल अपने आप एक्सेस में दिख रहा है। ये तो 10 ही था ना पहले से, बट ये 10 से 9 हो गया, मतलब ये कम हुआ तो ये अपने आप बड़ा हो गया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसको भी अपन मेटल एक्सेस बोलेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, या तो कैट आयन ही और एक्स्ट्रा आ जाए तो भी अपन इसको मेटल एक्सेस बोलेंगे। तो मेटल एक्सेस दो तरीकों से हो सकता है, या तो एनायन कम हो जाए या तो कैटायन बढ़ जाए। दोनों ही केस में हम बोलेंगे मेटल एक्सेस में है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे NaCl वाली बात करेंगे तो अगर 10 Na पॉजिटिव है, 10 Cl नेगेटिव है तो ठीक है, स्टोइकोमेट्री मेंटेन है। पर अगर एक Cl नेगेटिव कम हो गया तो अब यहाँ पे स्टोइकोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ रहे? तो इसमें लिखना नीचे, तो अपन लिखना कैन बी, सेंटेंस क्या बना है बता रहा हूँ मुझे। मेटल एक्सेस कैन बी टू वेज। ठीक है, फर्स्ट लिखना मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। इसका एक एग्जांपल लेके अपन लिखते हैं। पहले तो लिख लो, इट इज शोन बाय NaCl KCl। मतलब आपके अल्कली हैलाइड्स जितने भी होंगे ना, ये दोनों आपके अल्कली हैलाइड्स है ना,
एल्कली मेटल बोलते हैं ना अपन फर्स्ट ग्रुप को, क्या बोलते हैं एल्कली मेटल्स, जिसमें आपका सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीशियम सब आ जाएगा, और इनके हैलाइड्स मतलब NaCl NaBr ये सब इनके हैलाइड्स हो गए। हैलाइड्स मतलब द कंपाउंड व्हिच दिस एल्कली मेटल विल मेक विद द हैलोजन्स। एल्कली मेटल और हैलोजन के कंपाउंड को हम एल्कली हैलाइड्स बोलेंगे, राइट। तो ये आयनिक सॉलिड्स ही होंगे, राइट, क्योंकि ये मेटल है और ये आपके हाईली नॉन मेटल है। जैसे ये हाईली मेटल है वैसे ये हाईली नॉन मेटल है, तो ये आपके आयनिक सॉलिड्स ही बनेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, तो NaCl KCl विल शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट क्लियर। अब NaCl के एग्जांपल लेके अपन डिफेक्ट को समझते हैं, ठीक है। लिखना, when crystals of NaCl are heated in an atmosphere of atmosphere of sodium vapor, the sodium atoms are deposited on the surface of the crystal. Sodium atoms are deposited on the surface of the crystal. The chloride ion diffuse to the surface. The chloride ions Cl negative diffuse to the surface and combine with Na to form NaCl. अब बाहर तो सोडियम का एटम लगा था, हमने क्या लिखा है कि अगर आप NaCl को सोडियम वेपर्स के प्रेजेंस में हीट करोगे, समझना, एग्जांपल लिखे, आपने सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट किया, तो क्या हुआ, सोडियम के एटम आपके क्रिस्टल, ये क्रिस्टल है आपके NaCl का, उस क्रिस्टल में सोडियम के एटम आपके चिपक गए सरफेस पर, ठीक है। उनको देख के क्लोराइड आयन जो अंदर था ना वो बाहर की तरफ आया डिफ्यूज होके और उन सोडियम के साथ रिएक्ट करके NaCl बना दिया। अब वो जो बाहर सोडियम एटम था वो तो एटम है, तो वो पहले आयन बनेगा ना, वो अपने आप को ना Cl नेगेटिव का रिएक्ट कर देगा। Cl नेगेटिव तभी जाके अट्रैक्ट होगा Na से जब वो Na पॉजिटिव बनेगा, तो ये Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बन जाएगा और वो जो बाहर जो अंदर से आ रहा है Cl नेगेटिव उसके साथ मिलकर NaCl बना। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। NaCl के क्रिस्टल को अपन हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर। तो हीट करने से क्या हुआ, आपके जो सोडियम वेपर थे ना वो आपके क्रिस्टल के सरफेस में आके चिपक गए, वो सोडियम वेपर वाले जो सोडियम एटम थे वो आके आपके सरफेस में चिपक गए, राइट। अब उनको देख के जो अंदर Cl नेगेटिव है वो डिफ्यूज होके बाहर आए, Na के साथ रिएक्ट करके NaCl बन, पर वो Na अकेला NaCl नहीं बना सकता, उसको Na पॉजिटिव पहले बनना पड़ेगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, समझ रहे, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, ठीक है। अभी क्या लिखे अपन, द क्लोराइड आयन डिफ्यूज टू द सर्फेस ऑफ क्रिस्टल टू गिव या टू फॉर्म NaCl, कितना लिखे फुल स्टॉप। दिस हैपेंस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम, this happens by loss of electron by sodium atoms to form Na positive ions. This electron will diffuse into the crystal. And occupy anionic sites. कुछ जो आपका जो डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है कुछ किस टाइप का डिफेक्ट होगा देखना।
हाँ मैंने बीच में जगह छोड़ी है ना आपका एक सॉरी ये पूरा NaCl का क्रिस्टल था ना, आपने इसको हीट किया, इसके सरफेस में आपके सोडियम के एटम अटैच हुए होंगे, वो एब्जॉर्ब होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो सोडियम के एटम है ना, वेपर्स हैं, तो वेपर तो सॉलिड में आके चिपक सकता है ना, जैसे अगर ये पेन है तो इसके सर्फेस पर कुछ ना कुछ गैस तो चिपकी होगी, गैस तो है ना ऑल अराउंड हर जगह पे, तो गैस हो सकता है हमारी बॉडी में भी चिपकी होगी, तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, क्या बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, ए डी डी नहीं, वो एब्जॉर्प्शन होता है जहां पे चीजें अंदर चली जाती है, बट अगर चीजें बाहर ही चिपकी हुई हैं उसे हम क्या कहते हैं एड्सॉर्प्शन, डी डी की जगह डी आ जाता है, डी में अंदर जाता है डी में बाहर ही रहता है, समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, तो वो सोडियम के वेपर यहां आके चिपकते हैं, ठीक है, मान लो कोई एक वेपर यहां पे चिपका हुआ है, ठीक है, अब यहां का क्लोराइड आयन लिखे ना कि क्लोराइड आयन विल डिफ्यूज आउट, वो क्लोराइड आयन यहां से निकल के इसके पास आएगा, ये तो एटम था सोडियम का एटम है, ये तो ये सोडियम का एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उस आने वाले सीएल नेगेटिव के साथ मिलके NaCl बन जाएगा, ये अलग, और वो जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया होगा ना वो इलेक्ट्रॉन आके उस इंटरस्टीशियल साइट पर बैठ जाएगा, अब हमारे क्रिस्टल में सीएल नेगेटिव कम हो गया है, तो मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ये लिखे तो रेडी पढ़ो, तो अपन दो तरीके लिखे ना कि आपके मेटल एक्सेस दो तरीके से हो सकते हैं, अब मेटल एक्सेस क्यों बोल रहे हैं कि आपके एक एक एनायन कम हो गया ना, पहले क्या था जितने कैटायन थे उतने ही एनायन, बट बिकॉज ऑफ दिस सोडियम एटम ये क्लोराइड आयन डिफ्यूज होके बाहर गया, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके अंदर आया और उसने एनायनिक साइट को ऑक्यूपाई कर लिया, समझ रहे हैं क्या, तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है भी, क्योंकि अगर एक सीएल नेगेटिव बाहर गया है तो उसकी जगह एक वन नेगेटिव तो आपको दिख रहा है ना, सीएल नेगेटिव भी तो वन नेगेटिव ही था, इलेक्ट्रॉन भी वन नेगेटिव ही है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है पर आपका मेटल एक्सेस में हो गया है, एनायन कम हो गया है, तो इससे आपका स्टोइकोमेट्री डिस्टर्ब हो गया, समझ रहे हैं, तो कोई भी क्लोरीन आ सकता है और एक ही नहीं और भी आ सकते हैं, सोडियम का एक ही वेपर तो ना, मतलब एक एग्जांपल के बताया कि एक सोडियम का वेपर का एटम है आपके, ऐसे और भी हो सकते, तो और भी साइट्स इस तरह की क्रिएट हो सकती है, तो लिखना ये डायग्राम बना दो पहले, एक काम करो ये पहले डायग्राम, क्योंकि इतना अपन लिख चुके हैं जो पेपर लिखे ना इसका डायग्राम दे देगा, क्लियर है आप तीनों को, वंशिका संजय सानिया, यस सर, लोगों 11th में एक टॉपिक पढ़ते थे स्पेक्ट्रम वाला, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते थे तो उसमें एक टॉपिक था लाइन स्पेक्ट्रम, याद है थोड़ा बालमर सीलिंग, उसी में थोड़ा सा पहले, उसमें ऐसा एक एग्जांपल था ना कि NaCl को जब आप बर्न करोगे तो येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है, याद है, जब आप NaCl को बर्न करोगे ना तो वो येलो कलर का फ्लेम या कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है, याद है, ये हो गया डायग्राम बन गया, वो येलो कलर ना इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही आता है, एक्चुअली क्या था, जो विजिबल लाइट होती है उसमें से वो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी कंज्यूम करके बाहर आता है ना, तो जो एनर्जी बच गई है उसने कुछ एनर्जी कंज्यूम करी, एब्जॉर्ब करी, व्हाइट लाइट का जो कलर बच गया है ना वो एमिट कर देता है येलो कलर, ठीक है, ओके, नीचे लिखना
ये डायग्राम के बाद नीचे लिखना, एज अ रिजल्ट द क्रिस्टल नाउ हैज, एज अ रिजल्ट द क्रिस्टल नाउ हैज, एज अ रिजल्ट द क्रिस्टल नाउ हैज एन एक्सेस ऑफ सोडियम, एन एक्सेस ऑफ सोडियम, ठीक है, वो तो लिखे ना मेटल एक्सेस, सोडियम एक्सेस में है, मेटल एक्सेस, ठीक है. As a result, the crystal now has an excess of sodium. ठीक है, full stop. Next line में लिखना, the anionic site occupied by, the anionic site occupied by, the anionic site occupied by the unpaired electron. ये unpaired है ना, एक ही electron. The anionic sites occupied by unpaired electron are called F centers. इनको हम कहते हैं F, capital F hyphen centers, F centers, F centers. Bracket में लिखना, from the German word ये F नाम क्यों आया है, from the German word Farben Center, F A R B E N Z E N T E R, Farben Center, ठीक है, F A R B E N, the Farben Center, Z E N T E R, Farben Center, है ना, Farben Center, इसका मीनिंग होता है मीनिंग कलर सेंटर, मीनिंग कलर सेंटर, Farben सेंटर का मीनिंग है कलर सेंटर, ऐसा सेंटर या ऐसा पॉइंट जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज नोन एज Farben सेंटर, ठीक है, फुल स्टॉप. दे इंपार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल्स ऑफ NaCl, दे इंपार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल्स ऑफ NaCl. क्योंकि ये जब इस NaCl में जब विजिबल लाइट पड़ेगी ना, तो ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, पढ़ा ना हमने क्वांटम पैकेट्स, क्वांटम याद है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट वेव्स का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब कोई विजिबल लाइट यहाँ पे आपकी स्ट्राइक करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, एक्साइट होकर वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है. तो क्या लिखे हैं, दे इम्पार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल्स ऑफ NaCl, ठीक है. Similarly, कुछ examples और लिखना. Similarly, excess of lithium makes, lithium भी तो आपका alkali halide में आएगा ना, LiCl, जैसे NaCl बना रहा है alkali halide, वैसे ही lithium भी alkali है, alkali metal है मतलब, है ना, वो भी आपका alkali halide LiCl बनाएगा. तो similarly, excess of lithium makes LiCl, excess of lithium makes LiCl crystal pink, pink, and excess of potassium, मतलब same example में अगर lithium होता excess में तो वो pink color का होता, और same example में अगर potassium होता तो वो purple color का, violet color का, ठीक है. And excess of potassium makes KCl, excess of potassium makes KCl violet. Violet. इसको एक और बोलते हैं lilac, ब्रैकेट में लिखना है, हाँ, एक और नाम है violet का, LILAC, क्या बोलना उसकी, हाँ, LILAC, violet का एक और नाम, shades only, अलग-अलग shades में आएगा ना आपका, ठीक है, चलो, ये हो गया metal axis है, but due to anionic vacancy. राइट, अब मेटल एक्सेस दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है कि मेटल ही एक्सेस बने, एक्स्ट्रा बने, एनायन कम होके मेटल ज्यादा नहीं हुआ, और ऐसा करते ना कि चार लोग साथ में खड़े हैं, है ना, तो ये आदमी अपने आप आगे नहीं आ सकता, तो दो तरीके हैं इसके आगे आने के, या तो तीन पीछे चले जाए तो ये अपने आप आगे आ जाएगा, पिक्चर में ऐसा होता है ना, वो चार खड़े हैं तो सामने वाला पूछता है कि मेरा पिज्जा किसने खाया, तो वो तीन पीछे चले जाते हैं अपने आप, ठीक
ये बेचारा आगे नहीं आया पर ये आगे हो गया, तो अभी अपन यही पढ़े हैं कि मेटल एक्सेस में नहीं था बट मेटल एक्सेस हो गया, क्यों? क्योंकि एन आयन कम हो गया, बस ये वही हुआ है ना। और दूसरा तरीका क्या, ये खुद ही चल के आगे आ गया, मतलब मेटल एक्सेस में है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? तो सेकंड लिखना मेटल एक्सेस, ये उसका सेकंड है ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का सेकंड है। आप लोग नंबरिंग देख के करना ना, हम नॉन स्टॉइकोमेट्रिक डिफेक्ट में है, उसमें पहला डिफेक्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस दो तरीकों से हो सकता है, या एनायन कम हो या कैटायन ही ज्यादा, दोनों केस में स्टॉइकोमेट्री डिस्टर्ब होगी। पहला केस हम पढ़ चुके हैं ये वाला, जहां पे एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई थी तो मेटल एटम अपने आप बढ़ गए, ठीक है। अब एक्चुअली में मेटल ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसमें लिखना मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस, एक्स्ट्रा कैटायंस। अब मुझे बताने के एक्स्ट्रा कैटायन कहां आएगा, आपका पूरा स्ट्रक्चर है ना, अब एक्स्ट्रा कैटायन कहां बैठ सकता है, वैकेंसी उसको इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉइड्स भी, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट्स, समझ गए। तो क्या लिखे हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट्स, एट इंटरस्टिशियल साइट्स, एट इंटरस्टिशियल साइट्स, एट इंटरस्टिशियल साइट्स। तो डायग्राम नहीं बनाना, उसका डायग्राम समझ में आ जाएगा ना, ऐसे ही बनाना, बस यहां पे एक पॉजिटिव आयन और पुट कर देना, हो गया ये डिफेक्ट, समझ गए। हाइफन डाल के एक एग्जांपल लिख लेते हैं बस इसका अपन, जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर, जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, on hitting it loses oxygen, on hitting it loses oxygen। ये तो फिर वही वाली बात हो गई जैसे अपन बात किए थे कि जिंक ऑक्साइड पहले था, आपने उसको हीट किया तो वो ऑक्सीजन लूज कर दिया, जैसे यहाँ पे था NaCl था, आपने जब उसको हीट किया तब क्लोराइड आयन लूज हो गया, ऐसी हो ना, और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन ले गई, वैसे कुछ लिख रहे हैं अपन यहाँ पे। तो क्या लिखे हैं, जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग इट लूजेस ऑक्सीजन, इट लूजेस ऑक्सीजन, और अब इसका कलर कुछ और हो जाएगा क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, कुछ वो कार्बन सेंटर आ गया है, तो इट टर्न्स येलो इन कलर, इट टर्न्स येलो इन कलर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिखना, नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक, now there is excess of zinc in the crystal, मतलब ZnO पहले से है, आप अगर और ZnO लोगे हीट करोगे तो वो बाहर चला जाएगा, ZnO और एक्स्ट्रा आ गया, पहले से मेरे पास ZnO है, जिंक ऑक्साइड है मेरे पास पहले से, मैं और जिंक ऑक्साइड लिया उसको हीट किया उसका ऑक्सीजन बाहर चला गया, बचा क्या, ZnO बचा, अब वो इस ZnO के साथ मिक्स होके ZnO को एक्सेस कर रहे, समझ रहे। तो नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक इन द क्रिस्टल एंड इट्स फॉर्मूला बिकम्स, एंड इट्स फॉर्मूला बिकम्स, एंड इट्स फॉर्मूला बिकम्स, पहले अपन ZnO लिखते थे ना, अब एक बढ़ गया है उसका फॉर्मूला कुछ कुछ ऐसा लिख रहा, Zn x प्लस वन ऐसा कुछ, कि पहले x था अब वो x प्लस वन हो गया, यही तो स्टोइकोमेट्री डिस्टर्ब हो रही है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं। Zn 1 plus x O, full stop, the excess Zn2 positive, the excess Zn2 positive, the excess Zn2 positive moves to interstitial sites, जो अपन ऊपर भी लिखे हैं कि कैटायन एक्स्ट्रा हो जाएगा एट इंटरस्टिशियल साइट्स, मूव्स टू इंटरस्टिशियल साइट्स, मूव्स टू इंटरस्टिशियल साइट्स, एंड द इलेक्ट्रॉन्स टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स,
Zn अकेला थोड़ी ना होगा, Zn Zn2 पॉजिटिव कब बनता है, जब वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट। तो वो दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो है वो कहां जाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं इंटरस्टीशियल साइट्स में होंगे, क्या हो गया, एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई या द इलेक्ट्रॉन्स टू द नेबरिंग इंटरस्टीशियल साइट्स, ठीक है। कि वो जिंक जिंक Zn2 पॉजिटिव तब बनता है जब वो दो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, वो दो इलेक्ट्रॉन वहीं कहीं पे होंगे आजू बाजू इंटरस्टीशियल साइट्स, ठीक है। चलो लास्ट टाइप का डिफेक्ट लिखना, इसी में मतलब आपका नॉन स्टोइकोमेट्रिक में एक ही हुआ थी, मेटल एक्सेस। सेकंड क्या होगा, मेटल डेफिशिएंट, लिख लो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अभी दोनों डिफेक्ट में ऊपर मेटल एक्सेस में था और एक्सेस के कारण फॉर्मूला ऐसा चेंज हुआ, ठीक है। अब मेटल कम होगा तो भी फॉर्मूला चेंज होगा, बढ़ेगा तो भी फॉर्मूला चेंज, कम होगा तो भी फॉर्मूला चेंज, दोनों ही केस में स्टोइकोमेट्री डिस्टर्ब, ठीक है। इसके बारे में लिख लो, देयर आर मेनी सॉलिड्स व्हिच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, देयर आर मेनी सॉलिड्स व्हिच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, देयर आर मेनी सॉलिड्स व्हिच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टोइकोमेट्रिक कॉम्पोजिशन, इन द स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्पोजिशन, इन द स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्पोजिशन या प्रपोर्शन, एंड कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ मेटल, एंड कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ मेटल, एंड कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ मेटल। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल FeO, FeO क्या है ये, फेरिक है, फेरस है ना, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, तब दोनों कट के आपका FeO फॉर्मूला बनेगा। तो हमको पता है कि ये फॉर्मूला FeO होता है, बट जनरली इनको बनाते समय ना आयरन कम पड़ जाता है और वो फॉर्मूला FeO ना होके Fe 0.9O ऐसा बन जाता है, मतलब आयंस कम हो गए, मेटल आयंस कम हो गए डेफिशिएंसी, जिसके कारण फॉर्मूला पूरा रेशियो 1:1 का नहीं आ पा रहा, समझे। मतलब हो सकता है 10 Fe और 12, सॉरी Fe 10 हो और ऑक्सीजन 12, ये रेशियो चेंज हो गया। पहले FeO मतलब हर एक Fe के लिए एक O होना चाहिए, राइट। तब आप बोलोगे FeO फॉर्मूला पूरा बनेगा 12:12, यानी कि 1:1 का रेशियो है, फॉर्मूला विल बी FeO। फॉर्मूला बनाना तो हम सीखे ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया है क्लास 11 में, राइट। तो वहां पे अपन कैसे रेशियो निकालते थे ना, कि इतना रेशियो है इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालते थे, फिर वो हमारा फॉर्मूला बनता था, है ना। बट यहाँ पे रेशियो होल नंबर में नहीं है, रेशियो क्या है, होल नंबर में नहीं है, तो इसलिए तो इसको अपन नॉन स्टोइकोमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो FeO एग्जाम्पल लिखे, FeO इज मोस्टली फाउंड विद कॉम्पोजिशन, इज मोस्टली फाउंड विद कॉम्पोजिशन, is mostly found with a composition of Fe 0.960, Fe 0.960. Full stop, next time we'll read. In crystals of FeO, in crystals of FeO, some Fe2 positive ions, some Fe2 positive ions, some Fe2 positive ions are missing, are missing, are missing, and the loss of positive charge, and the loss of positive charge, and the loss of positive charge is made up by the presence of, is made up by the presence of, is made up by the presence of required number of Fe3 positive ions, ताकि neutrality को maintain रहे, by the presence of required number of Fe3 positive ions, मतलब जैसे तीन Fe2 positive गायब हैं, missing है, तो उसकी जगह two Fe3 positive ने ले ली,
न्यूट्रलिटी मेंटेन है, दो तीन Fe2 पॉजिटिव आया मतलब प्लस सिक्स गायब है, उसकी जगह टू Fe3 पॉजिटिव आया तो प्लस सिक्स आ गया, मतलब न्यूट्रलिटी मेंटेन है, बट फॉर्मूला ये जो रेशियो है ना ये डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पूरे डिफेक्ट्स हुए सॉलिड्स में, वो भी ये सारे क्या किस टाइप के डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट, हमें पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन लाइन डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, तो इतने टाइप के आपके डिफेक्ट होते हैं, तो मेन जो है ना दो वो आपके फ्रैंकल और शॉर्टकी प्रॉब्लम में पढ़ते हैं। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम डाल लो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये तो है ना कोर्स में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है ना, आपके सॉलिड्स तीन टाइप के हो सकते हैं, दे मे बी अ कंडक्टर, दे मे बी एन इंसुलेटर और दे मे बी अ सेमीकंडक्टर्स, राइट। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मतलब अपन दो चीजें और पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड्स की, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, वो कंडक्ट क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और अगर मैं रेजिस्टेंस के टर्म से बात करूं तो नो ना, नो नहीं बोलना, लो रेजिस्टेंस, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या मतलब कि रेजिस्टेंस हर बॉडी में होता है, इनफैक्ट हमारे बॉडी में भी रेजिस्टेंस है, राइट, बट मेटल्स में या फिर कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस कम होता है। जब मैं बात करूंगा इंसुलेटर्स की तो उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, और जब मैं बात करूंगा सेमीकंडक्टर्स की तो उनका रेजिस्टेंस मीडियम है, मतलब वो एकदम हैवी हाई रेजिस्टेंस भी नहीं कि करंट को फ्लो होने नहीं दे रहे हैं, करंट को फ्लो होने देते हैं बट बहुत कम अमाउंट में, सेमीकंडक्टर्स में करंट फ्लो होता है बट इन अ वेरी लेस अमाउंट, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है बट उतना ज्यादा नहीं जितना इंसुलेटर का, बट इंसुलेटर में इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है कि दे डोंट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, तो उनके रेजिस्टेंस के टर्म्स में अपन ऐसा इनको डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज और बोल सकते हैं, हम जब पढ़ते हैं ना एक होता है बैलेंस शेल, आपको पढ़े ना बैलेंस शेल पढ़े ना, आपकी आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं बैलेंस शेल, उसके इलेक्ट्रॉन को जब हम एक्साइट कर दे वो बाहर आ जाएगा एंड नाउ इट इज फ्री, राइट, तो अब उसको अपन कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। जब तक वो अंदर था ना तब तक वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, उसका एक बैंड है, वो एक एनर्जी में है, मतलब अगर अपन एनर्जी के रेस्पेक्ट में बात करें ना तो एक इस टाइप का मैं एक बैंड बना सकता हूँ, एनर्जी ब्रांड बैंड बोलते हैं इसको, जहां पे नीचे मतलब लोअर एनर्जी है ये बैंड और ये आपका हाई बैंड मतलब हायर एनर्जी वाला बैंड है, ये कहीं मिलता नहीं है कोई बैंड वैसा नहीं है ना, बैंड मतलब अपन एक डायग्राम बना रहे हैं एनर्जी के रिस्पेक्ट में, जहां मैं बोल रहा हूँ कि नीचे वाला बैंड है लो एनर्जी वाला बैंड और ऊपर वाला बैंड है हाई एनर्जी वाला बैंड। जब तक आपका इलेक्ट्रॉन बैलेंस बना हुआ है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तब तक वो न्यूक्लियस के साथ अटैच है, अभी तो वो अभी भी आपके एटम में है ना, क्योंकि न्यूक्लियस ने उसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तब उसकी एनर्जी कम है। तो इस टाइप के किस बैंड को अपन कहते हैं बैलेंस बैंड, क्या बोलते हैं बैलेंस बैंड। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे आएगा, जब आप इस मेटल आयन को या मेटल एटम को आयनाइजेशन पोटेंशियल दोगे, क्या दोगे आयनाइजेशन एनर्जी, याद आ रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, याद आ रहा है पढ़े ना ये प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल लो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल लो, एक ही चीज बस साइन अलग अलग होता है। ठीक है, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, तो इसको मैं जब आयनाइजेशन एंथैल्पी दूंगा तो ये एनर्जी गेन करके जंप करके कहाँ चला जाएगा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकता है, इट इज नाउ फ्री, अब वो इलेक्ट्रॉन को आप बस पोटेंशियल अप्लाई कर दो, वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा, पोटेंशियल मतलब लगा दो इसको बैटरी ऐसे बताएंगे पोटेंशियल, आपकी बैटरी के पास ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, आप कनेक्ट कर दो उसको वायर से तो दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड और अब वो करंट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, समझ में आ रहा है। तो जब मैं बात करता हूँ मेटल्स की या कंडक्टर्स की तो ये बैंड में जो गैप है ना वो बहुत कम होता है, मैं ये तीनों बैंड मतलब ये बैंड अगर मैं तीनों के लिए बनाऊं, किन तीनों के लिए कंडक्टर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, तो मैं इसके हिसाब से ऐसा कुछ बना सकता हूं कि आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है, ओवरलैपिंग, ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। अभी जब हम बोलते हैं कि मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, कम एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अभी तो बोलते हैं कि मेटल है आपका टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्यों बोलते हैं
क्योंकि वो कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए नहीं, ये इसका बैलेंस बैंड है, ये इसका कंडक्शन है ना, पर आपसे उठते वो कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। आप ये मान के चलो कि इसके और कंडक्शन और बैलेंस बैंड के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, थोड़ा सा एनर्जी तो एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चल जाएगा, नाउ इट इज फ्री टू मूव, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे? यही गैपिंग आपके इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होती है, इतना गैप है। समझ रहे? तो आपको नॉन मेटल्स, दे आर पुअर कंडक्टर्स, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, तो उतना एनर्जी आप दे नहीं पाते हो, इसलिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता। समझ रहे? मैं फिर से बोल रहा हूं, ये तो ऐसा फिजिकल बैंड नहीं है, हम बस एनर्जी के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर रहे हैं कि जब तक वो बैलेंस शेल में उसकी एनर्जी कम होती है, और जहां उसको हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड की, उसको एनर्जी मिल गई, वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अब नहीं रहा, वो बाहर आ गया एटम को छोड़ के, अब वो कंडक्शन कर सकता है, इससे उस बैंड को नाम दे दिया कंडक्शन बैंड, जहां उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। समझ गए? और सेमीकंडक्टर में ये थोड़ा सा पास पास रहेगा, जैसे यहाँ ओवरलैपिंग है, द बैंड्स आर ओवरलैपिंग, यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है आपको, और सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, गैप कम होगा, तो वो कंडक्ट कर सकते हैं, बट उतने ज्यादा नहीं जितना कंडक्टर्स। समझ गए तीनों को? इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, बेसिकली एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब तक वो एटम के अंदर है वो कम होती है, जहां वो साइड के बाहर आ गया तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड क्रॉस करने के लिए वी नीड सम एनर्जी, वो एनर्जी इतनी है। समझ रहे हो? एनर्जी क्या है? ये एनर्जी गैप कहलाता है। व्हाट इज दिस एनर्जी गैप? यहां रहने के लिए एनर्जी अलग है, यहां जाने के लिए उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे चैप्टर को। ठीक है? ठीक है, चलिए, थैंक यू।